क्या आप जानते हैं कि यदि आपको नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? 10 में से 8 व्यक्ति गहरी नींद नहीं ले पाता, जिसके कारण उसका इफेक्ट उसके हेल्थ एवं मेमोरी पे पड़ता है। क्या आप जानते हैं मैजिक स्लीपिंग मेथड क्या है? 2 मिनट में गहरी नींद कैसे ले? टुडे आई डिस्कस व्हाट इज अ मैजिक स्लीपिंग मेथड। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें एवं सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। गहरी नींद नहीं आने के 3 कारण हैं। फर्स्ट, दैट इज डिस्टर्ब लाइफ। आजकल अधिकांश लोगों का लिविंग नेचर और लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो गया है और वह नेचर के विरुद्ध काम करता है। जब सोने का समय हो तब जागना, जागने के समय में सोना और खाने के समय में ब्रेकफास्ट करना, जिसके कारण लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है और उसका सीधा सा असर उसके स्लीपिंग पावर पे पड़ रहा है। सेकेंड, डेट इज स्लीपिंग मैनिया। दोस्तों, हम लोग देखते हैं या आप महसूस किए होंगे कि जब आपका बेड चेंज हो जाए या आपका सोने का एनवायरमेंट चेंज हो जाए, जिसके कारण आपको नींद नहीं आता। यदि आप रेलवे में या कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, वहां भी सोने में आपको परेशानी हो। दोस्तों, दिस इज अ कॉल्ड स्लीपिंग मैनिया, आप जिसके कारण आप गहरी नींद नहीं ले पाते। थर्ड, डेट इज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट में भी आज सोने की समस्या एक गंभीर विषय बन गया है। स्टूडेंट में स्टडी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिजल्ट प्रेशर के कारण उसको नींद नहीं आता। पूरी रात जाग जाग कर पढ़ना और सुबह में देर तक सोते रहना, जिसके कारण उसके स्लीपिंग पे इफेक्ट पड़ता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके हेल्थ और उसके ब्रेन पे, उसके मेमोरी पावर पे पड़ता है। फ्रेंड्स, दिस इज अ 3 रीजन जिसके कारण आप गहरी नींद नहीं ले पाते। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि नींद आने के भी 3 स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप टू स्लीपिंग। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक अवस्था या प्राइमरी मोड। दोस्तों, जब आप स्लीपिंग करते हैं प्राइमरी मोड में, तो आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, आपके एनवायरमेंट में थोड़ी भी चेंजेस आती है तो आपका नींद खुल जाता है। यदि आप सो रहे हो इस स्टेज में और कोई आपके रूम का लाइट जला दे तो आपका स्वाभाविक है नींद खुल जाएगा। दोस्तों, दिस इज अ कॉल्ड प्राइमरी स्टेज। सेकेंड, डेट इज मिड स्टेज। इस स्टेज में फ्रेंड्स आप थोड़ी गहरी नींद में होते हैं और आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो आपका नींद नहीं टूटता है, आप सोते हो। लेकिन उससे थोड़ा भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो तो आपका नींद टूट जाता है और आप जाग जाते हो। दिस स्टेज इज कॉल्ड मिड स्टेज एंड दैट इज अ फाइनल, दैट इज डीप स्लीपिंग स्टेज। इस स्टेज में आप पूर्णतः सो जाते हो, आसपास में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो आप जागते नहीं हो और इस स्टेज में आपका बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स मोड में होता है। बॉडी एंड माइंड अनकॉन्शियस रहता है और यहां पे आप एक गहरी नींद लेते हो। और फ्रेंड्स, देखा गया है कि जो व्यक्ति 2 घंटे लास्ट स्टेज में डीप स्लीपिंग मोड में रहता है, उसका नींद पूरा हो जाता है, उसका माइंड रीजनरेट हो जाता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मैजिक स्लीपिंग मेथड के बारे में बता रहा हूं, यह बहुत ही एक अच्छा मेथड है। आप किसी भी मोड में बहुत ही कम समय में रहोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या मिड मोड में 5 से 10 मिनट में रहोगे, उसके पश्चात आप डायरेक्ट लास्ट स्टेज डीप स्लीपिंग मोड में चले जाओगे। दोस्तों, मैजिक स्लीपिंग मोड का यह मेथड है, इसमें आपको न ही कोई आइटम खरीदने की जरूरत है, न ही आपके ऊपर ज्यादा वेल्थ या ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत है। यह एक सिंपल
मेथड है, आप अपनाओगे 100% आप इसका रिजल्ट पाओगे। दोस्तों इस मेथड के अंतर्गत आपको रिवर्स में काउंटिंग करना है, उल्टा गिनती गिनना है 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 और आपको वही स्लीपिंग मोड तीनों मेथड बताया गया है उसका यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग मोड के प्राइमरी स्टेज में आने के लिए आपको माइंड में डिटरमाइंड करने की जरूरत है, आपको मन में सोचने की जरूरत है कि जब मैं 90 काउंटिंग नंबर पे आऊंगा तो मैं प्राइमरी स्टेज में आऊंगा, और आप आंख बंद करके काउंटिंग करें 100, 99, 98, 97, 96, 95 और यहाँ पे आप प्राइमरी मोड में आ जाओ। फिर सेकेंड आपको माइंड में डिटरमाइंड करने की जरूरत है कि सेकेंड मोड में आने के लिए आपको जब 90 डिजिट आएगा तो आप सेकेंड मोड में आ जाओगे। मन में ही काउंटिंग करने की जरूरत है 95, 94, 93, 92, 91, 90। इसके बाद जो लास्ट डीप स्लीपिंग मोड है आप 85 को डिटरमाइंड करोगे, टारगेट करोगे कि जब मैं काउंटिंग 85 तक जाऊंगा तो मैं डीप स्लीपिंग मोड में चला जाऊंगा, और फिर आप वहां से काउंट करो 90, 89, 88, 87, 86, 85, 100% आप जब 85 में जाओगे तो 100% थर्ड स्टेज ऑफ स्लीपिंग मोड में जाओगे और आप गहरी नींद ले लोगे। आप यूटिलाइज करो 100%। हो सकता है कि आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे में आपको रिवर्स मोड में 50 तक काउंट करने की जरूरत होगी, लेकिन जैसे जैसे इस मेथड को मैजिक स्लीपिंग मेथड को आप जीवन में यूटिलाइज करोगे 100% 85 क्या 90 काउंट करते ही आप गहरी नींद में चले जाओ। और फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि हम जब गहरी नींद में जाते हैं मात्र 2 घंटा सोने के पश्चात ही हमारी नींद पूरी हो जाती है। दोस्तों इस मेथड को आप यूटिलाइज करें, आप अपने बच्चों पे यूटिलाइज करें, आप अपने घर में यदि सीनियर सिटीजन है उसको यह मेथड बताएं, यह मेथड आप उनके साथ चर्चा करें, 100% गहरी नींद आएगी। फिर एक आपको एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि मैं हर संडे स्टूडेंट मास्टरी ऑनलाइन लाइव वेबिनार में आता हूं जहां मैं डिस्कस करता हूं स्टडी ऑफ मेथड, प्रोसेस ऑफ स्टडी मेथड, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं स्टूडेंट से कि पढ़ाई किस तरह करें, पढ़ाई करने के सही तरीके क्या है, सोने के क्या तरीके हैं, लिखने के स्पीड कितना होना चाहिए, ढेर सारे पॉइंट जिससे कि एक स्टूडेंट अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सके। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा लाइव वेबिनार में, आप अपना टिकट अभी बुक करें और विशेष जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं लाइव वेबिनार में।